बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लर्निंग स्कूल एंड कॉलेज TLSE वेलकम यू टू द ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेशन। लेट्स जॉइन हैंड्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड अशेन टू द न्यू प्रोग्रेसिव इरा। द लर्निंग स्कूल विशेज अ वेरी ब्राइट एंड फ्रूटफुल एकेडमिक वीक टू ऑल ऑफ यू। द लर्निंग स्कूल एंड कॉलेजेस वीक 7 ग्रेड 3 सेक्शन ABC सब्जेक्ट कंप्यूटर यूनिट नंबर 3 टॉपिक सेट ड्राइंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड फुल स्क्रीन व्यू एंड जूम इन एंड आउट जो कि पेज नंबर 19 टू 20 पे मौजूद है। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 19। बिफोर स्टार्ट आवर लेक्चर वी हैव रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप ले लेते हैं, जायज़ा ले लेते हैं पिछले लेक्चर का कि हमने पिछले लेक्चर के में क्या पढ़ा था। वही हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो था, हमने उसमें पढ़ा था हाउ वी कैन रोटेट आर ड्राइंग, हम अपनी बनाई गई ड्राइंग को कैसे रोटेट करते हैं, कैसे उसको मूव करते हैं। रोटेट मतलब मूव करना होता है, घुमाना होता है, ठीक है। एंड हाउ कैन वी स्क्यू आर ड्राइंग, और हम अपनी बनाई गई ड्राइंग को कैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के ड्रिलवर्स जो थे वो हैं रोटेट, घुमाना, होल, पूरी की पूरी पिक्चर या पूरी का पूरा सिलेक्टेड किए गए पार्ट को कहा जाता है होल, एंगल उसके जाविये को कहा जाता है, उसकी डायरेक्शन को जो शो करवा रहा होता है उसका जाविया, उसको एंगल का मीन जाविया होता है। स्क्यू मोड़ना, मेंटेन उसको बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में रखना, रेशो उसकी मकदार, हॉरिजेंटल कहा जाता है लैंडस्केप को, ठीक है। हॉरिजेंटल लैंडस्केप यानी चौड़ाई को, लैंडस्केप जो चीज़ें होती हैं उनको हॉरिजेंटल, जो लैंडस्केप पोजीशन में होती हैं उनको हॉरिजेंटल, एंड वर्टिकल जो बिल्कुल सीधी होती हैं लंबाई में जो चीज़ें होती हैं लंबाई को वर्टिकल कहा जाता है, पोजीशन कहा जाता है, और हॉरिजेंटल विड्थ को कहा जाता है चौड़ाई वाली पोजीशन को। डायरेक्शन उसकी सीमत, डायरेक्ट खींचना, किसी चीज़ का खींचना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर, अब इस लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं ये हैं। इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, हाउ वी कैन सेट ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हमने जो है अपनी ड्राइंग को कैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट करना है, सम स्टेप ऑफ फुल स्क्रीन व्यू, कुछ स्टेप्स लेंगे हम कि हम अपनी पूरी स्क्रीन का व्यू कैसे ले सकते हैं, पूरी स्क्रीन को किस वे में देख सकते हैं, उनमें उनको उनके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी पूरी स्क्रीन का व्यू ले सकते हैं। सम स्टेप्स ऑफ जूम इन एंड आउट, और कुछ स्टेप्स हैं इजी स्टेप्स भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप्स भी हैं, ठीक है, जो हमें बताएंगे कि हमें अपनी तस्वीर को कैसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जूम इन बड़ा करना एंड आउट मीन छोटा करना। अब ड्रिलवर्स जो हमारे इस लेक्चर के हैं वो है बैकग्राउंड, पिछला हिस्सा, फिल, एक चीज़ को बिल्कुल फिल अप कर देना, भर देना, टाइल, छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है टाइल, टुकड़े को कहा जाता है, और जब हम रीडिंग में इसके अबाउट पढ़ेंगे तो वो टुकड़ों में होगा, ठीक है। सेंटर, दरमियान, व्यू, देखना, डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब भी देखना होता है या दिखाना होता है, एक्चुअल असली बिल्कुल जो उसका खुद का होता है साइज़ उसको एक्चुअल कहते हैं, किसी ड्राइंग का खुद का साइज़ जो कंप्यूटर की तरफ से ही उसका स्केच हुआ हुआ मिलता है हमें उसको एक्चुअल कहा जाता है। लार्जर एंड स्मॉलर, बड़ा और छोटा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग जो कि हमारी है पेज नंबर 19 से स्टार्ट होती है। द स्टेप्स टू सेट योर ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वो स्टेप्स जो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड को सेट करने के लिए लेते हैं उनमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लिक द पेंट बटन, हम पेंट बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन पॉइंट टू सेट एज बैकग्राउंड, और पॉइंट करेंगे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। जैसे ही हम अपनी बनाई गई ड्राइंग पे राइट क्लिक करेंगे तो उधर जो है एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जो कि हमें पिक्चर का ऑप्शन देगी सेट एज बैकग्राउंड, ठीक है। ये आपको फिगर 2.16 ए में जो नज़र आ रही है वो है, ठीक है, स्टेप्स वो है। उसके बाद जो है जब हम सेलेक्ट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे तो तीन ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, वो हमसे पूछेगा कि आपने जो है अपनी ड्राइंग को किस ऑप्शन में, किस पोजीशन में जो है, किस वे में
स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। तो उनके जो तीन ऑप्शन हैं वो एक उनमें से एक ऑप्शन है फिल का, टाइल का और सेंटर का। फिल में हमें बताएं, अगर हम फिल सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी तस्वीर जो है, हमारी ड्राइंग जो है, वो पूरी स्क्रीन पे नज़र आएगी। अगर टाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में नज़र आएगी, जो कि फिगर 2.16C में नज़र आ रही है। ठीक है। और नीचे लिखा भी हुआ है टाइल व्यू। उसके बाद जी जो सेंटर होगा, सेंटर में आप देख रहे हैं 2.16 के ऊपर बिल्कुल सेंटर में छोटी सी करके स्मॉलर साइज़ की पिक्चर जो है डिस्प्ले हो जाएगी, यानी उसका रिज़ल्ट जो है वो सेट हो जाएगी हमारे डेस्कटॉप पे बिल्कुल छोटी सी दरमियान में, बिल्कुल दरमियान वाली पोजीशन में। द रिज़ल्ट आर डिस्प्लेड इन फिगर 2.16B2D। अब वो कह रहे हैं कि अब जो हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है छोटा सा अपने डेस्कटॉप पिक्चर को डेस्कटॉप पे सेट करने का, उनका रिज़ल्ट जो है वो फिगर 2.16B से लेके फिगर 2.D में, फिगर 2.16B में दिखाया गया है फुल स्क्रीन व्यू, सी में दिखाया गया है टाइल व्यू और डी में दिखाया गया है सेंटर व्यू। जी अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे आएंगे। उधर है हमने, हमारा टॉपिक है फुल स्क्रीन व्यू। अब फुल स्क्रीन व्यू का मतलब ये है कि हमने पूरी अपनी बनाई गई तस्वीर का जो है वो लेआउट देखना है कि अब हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। ठीक है, उसके लिए हम स्टेप्स कौन से फॉलो करेंगे। द स्टेप्स टू व्यू योर ड्राइंग इन फुल स्क्रीन व्यू, ऐसे स्टेप्स जो हम अपनी पूरी ड्राइंग को देखने के लिए लेंगे, उनमें है क्लिक द व्यू टैब। हम व्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि होम टैब के बिल्कुल साथ में मौजूद है। ठीक है, जैसे ही आप विंडो ओपन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो पेंट ओपन करेंगे तो होम के साथ आपको नज़र आ रहा होगा एक व्यू का टैब है, आपने उस व्यू के टैब को क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर टू, इन द डिस्प्ले ग्रुप, डिस्प्ले ग्रुप में जाना है। व्यू टैब में जैसे ही जाएंगे तो आपको एक डिस्प्ले ग्रुप मिलेगा, आपने डिस्प्ले ग्रुप में जाना है। क्लिक फुल स्क्रीन व्यू, हमने क्या करना है, क्लिक करना है फुल स्क्रीन पे। किस पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पे। ये आपको फिगर 2.16 में जो पिंक रिबन में आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं आपने उनको फॉलो करना है। टू एग्ज़िट फुल स्क्रीन व्यू, आपने एग्ज़िट करना है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, फिर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है। एंड गो बैक टू द पेंट विंडो, और पेंट विंडो पे जाना है, क्लिक द ड्राइंग और ड्राइंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह भी जो है आपको आपकी बनाई गई ड्राइंग का पूरा व्यू नज़र आ जाएगा बगैर अदर टूल्स शो हुए, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी ड्राइंग जो है वो स्क्रीन पे नज़र आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जूम इन एंड आउट। अब हमने अपनी तस्वीर को बड़ा, जूम इन एंड आउट छोटा कैसे करना है। यू कैन यूज़ द जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शन, आप जो है यूज़ कर सकते हैं जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शंस टू सी अ लार्जर, लार्जर बड़ा, स्मॉलर छोटा। ठीक है, बड़ा और छोटा व्यू देखना ऑफ योर इमेज, अपनी इमेज का, अपनी इमेज का बड़ा और छोटा व्यू देखने के लिए हम जो है जूम इन एंड आउट ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। इनके स्टेप्स ये हैं, टू सी अ लार्जर व्यू, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट क्लिक, अगर हमें अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे व्यू टैब के ऊपर। ठीक है, व्यू टैब होम टैब के बिल्कुल साथ में है। देन इन द जूम ग्रुप, और उसके बाद हम जाएंगे जूम ग्रुप में, जूम ग्रुप में। ठीक है, और जूम ग्रुप में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे जूम इन पे, जूम इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी तस्वीर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जूम इन पे क्लिक करने से हमारी पिक्चर जो है वो बड़ी नज़र आती है। टू सी अ स्मॉलर व्यू, अपनी पिक्चर को छोटा करके कैसे देखना है, हम फिर वही व्यू टैब के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट क्लिक द व्यू टैब, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, देन इन द जूम ग्रुप, फिर जूम ग्रुप में जाएंगे, क्लिक जूम आउट और जूम आउट पे क्लिक कर देंगे। द टू व्यू एक्चुअल, हमने अब अपनी तस्वीर का बिल्कुल असल साइज़ देखना है, बिल्कुल सही साइज़ देखना है ऑफ द पिक्चर अपनी तस्वीर का, क्लिक द व्यू टैब, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन जूम ग्रुप, और जूम ग्रुप में क्लिक करेंगे 100% हमारी पिक्चर का बिल्कुल एक्चुअल साइज़, असल साइज़ होता है, हम उस पर 100% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल असल साइज़ में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इधर टिप टॉप में बता रहे हैं, यू कैन आल्सो क्लिक द जूम इन प्लस बटन और जूम आउट माइनस बटन्स ऑन द जूम स्लाइड्स एट द बॉटम ऑफ द पेंट विंडो, पेंट विंडो के बॉटम निचले हिस्से में आप देखेंगे कि जूम इन और आउट के, सॉरी ऊपर वाले बॉटम
बॉटम वैसे तो निचले, सॉरी यहाँ पे बटन्स लिखा हुआ है, बॉटम ऑफ द पेंट विंडोज, हाँ बॉटम ऑफ द पेंट विंडो, पेंट विंडो की बॉटम में जो है टू इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज किसी चीज़ का बढ़ाना और डिक्रीज किसी चीज़ का कम करना लेवल। हम जो है इन बटन्स को यूज़ करते हुए जूम इन एंड आउट के बटन्स को जो कि बॉटम पे मौजूद हैं पेंट विंडो की, उसको हम उन बटन्स को क्लिक करके जो है इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने जूम लेवल को। और इसके बाद हमारी जो रीडिंग का सम अप है वो है वो लर्न अबाउट, हमने अब इस रीडिंग में क्या पढ़ा है, ये हमारी आज की रीडिंग का सम अप है कि हमने इस रीडिंग को अच्छे से पढ़ना है, हमारा ये प्रैक्टिकल वर्क है और इससे हमें क्या फिर करना आएगा, जैसे ही आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम इससे क्या सीखेंगे, वी लर्न अबाउट सम वेज टू सेट आवर ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हमने इस लर्निंग इसमें सीखा था कि हम अपने डेस्कटॉप अपनी ड्राइंग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे कैसे सेट कर सकते हैं, एंड वी कम टू नो सम स्टेप्स टू हैव अ लुक द फुल स्क्रीन व्यू, और जब हमने फुल स्क्रीन का व्यू लेना है तो हमें पता चल जाएगा कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने स्क्रीन का फुल व्यू लिया था, पूरी स्क्रीन पे हमने अपनी ड्राइंग देखी थी, ठीक है। और उसके बाद जो हमने लास्ट में इस चैप्टर का ओवरऑल सम अप जो है वो ये है कि ये आपका प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड करता है चैप्टर, तो उसके बाद इसके लास्ट टॉपिक जो है वो हमें बता रहा है कि हम अपनी पूरी बनाई गई ड्राइंग को जो जहाँ फर्स्ट चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर के स्टार्ट से लेके एंड तक का लास्ट स्टेप होगा कि हमने अपनी स्क्रीन को, हमने अपनी ड्राइंग को बड़ा और छोटा कैसे करना है, एंड वी लर्न अबाउट द हाउ वी कैन जूम इन एंड आउट बटन्स एंड ड्राइंग्स, इन बटन्स को यूज़ करते हुए हमने कैसे बड़ा किया था और छोटा किया था अपने स्क्रीन व्यू को, ठीक है, अपने ड्राइंग को कैसे छोटा और बड़ा किया था। ये आपकी रीडिंग का सम अप है। अब अपने इस प्रैक्टिकल वर्क को जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे इस आपको उतना ही ज़्यादा पेंट जो है यूज़ करना आएगा, ठीक है। और आपने पेंट पे कम से कम छोटी छोटी पिक्चर्स बना के उनको कलर करना, उनको रोटेट करना, उसके बाद कट कॉपी करना, उनके पार्ट्स को कट कॉपी करना, ऊपर जो टूल बार में टूल्स मौजूद हैं जो टूल्स का नेम है वही उनका काम है, आपने उन टूल्स को यूज़ करके जो है अपने प्रैक्टिकल वर्क को परफॉर्म करते रहना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।